इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एकल स्वामित्व के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। एकल स्वामित्व एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो एकल व्यवसायी होता है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी व्यवसाय की स्थापना अपने निजी संसाधनों द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? निजी संसाधनों द्वारा करता है। कुछ व्यक्तियों की सहायता हेतु अपना नियुक्त कर सकता है एवं स्वयं प्रबंध करता है तथा व्यवसाय के होने वाले जोखिमों एवं लाभों को अकेले ही वहन करता है। मतलब अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि एकल व्यवसायी से आशय, एकल व्यवसायी से आशय, एकल व्यवसायी से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है, ऐसे व्यक्ति से होता है जो स्वयं संसाधनों को स्वयं संसाधनों को लगाता है, स्वयं संसाधनों को लगाता है और प्रबंध करता है, और प्रबंध करता उसको मतलब मैनेज करता है, साथ ही लाभ व जोखिम को अकेले ही वहन करता है, अकेले ही वहन करता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एकल स्वामित्व। क्लियर हो गई बात? तो एकल स्वामित्व से क्या से आपको समझ में आ गया होगा, एकल स्वामित्व से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो व्यवसाय की स्थापना अपने निजी संसाधनों द्वारा करता है और स्वयं ही उसका प्रबंध करता है और जितना भी लाभ होता है अकेले लेता है और जोखिम भी जितना होता है वो स्वयं ही वहन करता है। उसे हम क्या कहते हैं? एकल व्यापार कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। ठीक है, एलेक्स हैनी के अनुसार, एलेक्स हैनी ने इस पर डेफिनेशन दिया है, क्या कहा है? एकल व्यवसायी ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं व्यवसाय को संचालित करता है, अर्थात बिना किसी साझेदार की मदद के वो अपनी निजी पूंजी लाता है और स्वयं श्रम करता है, वह दूसरे द्वारा सहायता प्राप्त करता है जिसके बदले में दूसरे व्यक्ति को क्या देता है? पारिश्रमिक देता है। ठीक है ना, पारिश्रमिक के रूप में उन्हें वेतन का भुगतान करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एकल स्वामित्व कहलाता है। ये किसने कहा? एलेक्स हैनी ने कहा। एलेक्स हैनी ने क्या कहा है? एलेक्स हैनी ने कहा एकल व्यवसायी एक व्यक्ति होता है जो, मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को स्वयं संचालित करता है, अर्थात बिना किसी साझेदार के मदद को, मतलब किसी और को पार्टनर उसमें नहीं बनाता है, अपनी पूंजी लगाता है और खुद ही श्रम भी करता है। अगर मान लीजिए उसको आवश्यकता पड़े दूसरों की सहायता प्राप्त करता है, लेकिन जिससे सहायता प्राप्त करता है उसे पारिश्रमिक के रूप में वेतन का भुगतान करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एकल स्वामित्व कहेंगे। ऐसा कहा है किसने? एलेच हैने का ऐसा मत है। तो याद रखिएगा एलेच हैने का ये डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं एकल स्वामित्व की विशेषता क्या है। एकल स्वामित्व की विशेषता क्या है? इसमें व्यक्तिगत पहल होता, मतलब एक ही व्यक्ति होता है जो संसाधनों को इकट्ठा करता है, संसाधनों को क्या करता है? इकट्ठा करता है और अपनी अकेले ही पूंजी लगाता है, अपना श्रम भी करता है, ठीक है ना, और प्रबंध भी खुद ही करता है। तो ये व्यक्तिगत पहल होता है, लोगों का इसमें सहयोग नहीं लिया जाता। दायित्व तो क्या होता? असीमित होता है। भाई अकेले मालिक हो, सारा लाभ ले रहे हो, तो लायबिलिटी भी पूरा आपके ऊपर ही होगी, अर्थात अगर लॉस होगा तो पूरा का पूरा भरपाई आपको ही करना पड़ेगा, अर्थात दायित्व तो क्या होता है इसमें? असीमित दायित्व तो होता है। प्रबंध व नियंत्रण स्वयं करता है, मैंने स्वयं करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर होता है, एकल स्वामी होता है, स्वयं मैनेज करता है, पूरा कंट्रोल करता है, स्वयं लाभ और हान को वहन करने के लिए अप्रेरित होता है, मतलब अपने खुद लाभ और हान दोनों अपना अकेले ही वहन करता है। इसमें गोपनीयता होती है, भाई दूसरे का पार्टनर नहीं है, इसमें गोपनीयता होती है। स्वामी और व्यवसाय एक साथ अस्तित्व में होता है, मतलब जबकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमें कहता है व्यवसाय और व्यवसायी अलग होता है, लेकिन इसमें व्यवसाय और व्यवसायी दोनों का अस्तित्व एक साथ होता है, अर्थात व्यवसायी नहीं रहेगा तो व्यवसाय अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे भाई एक दुकानदार है, मान लीजिए
यहाँ पे एक ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो दुकानदार है। अब मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति अगर नहीं रहा, उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो व्यवसाय भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब व्यवसाय और व्यवसायी का अस्तित्व एक होता है, ठीक है ना, स्वामी और व्यवसाय का एक साथ अस्तित्व में होते हैं, ठीक है। इसका संचालन का क्षेत्र क्या होता, थोड़ा सीमित होता। भाई एक व्यक्ति अगर कोई काम करेगा, 6-7 कौन सा नंबर, 7 नंबर, अगर एक ही व्यक्ति काम संचालित करेगा, काम करने की वजह से इसका संचालन क्या होता है, सीमित दायरा होता है। इसका जो लिमिट होगा, भाई एक व्यक्ति का दायरा तो सीमित होगा ना, असीमित तो हो नहीं सकता। भाई अगर मान लीजिए कोई अगर प्रयागराज में काम कर रहा है तो प्रयागराज को देखेगा, कानपुर में कर रहा था कानपुर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कानपुर भी देख ले, प्रयागराज भी देख ले, अमेरिका भी देख ले, ठीक है, सब जगह नहीं दे सकता। तो ये सब तमाम बातें होती हैं, ठीक है। अब अगर इसकी उद्देश्य की बात किया जाए तो एकल व्यवसाय के क्या उद्देश्य होते हैं, तो इसकी सबसे पहले उद्देश्य होता है व्यक्तिगत पूंजी का उपयोग। मतलब भैया अगर दूसरे का अगर पूंजी नहीं लगाओगे तो टेंशन भी नहीं रहेगा, इन सब चीजों से बचने के लिए अपना पूंजी लगाता है और अपना एक बिजनेस का लाभांश वहन करता है। तो उद्देश्य होता है व्यक्तिगत पूंजी का उपयोग, जो उसके पास पैसा बचा हुआ है, रखा हुआ है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। दूसरा है वितरण व्यवस्था का सशक्तिकरण। वितरण व्यवस्था का सशक्तिकरण करने का मतलब हुआ, एक व्यक्ति जब व्यवसाय प्रारंभ करेगा तो उसके पास जो धन है उसका जो है उपयोग होगा, उपयोग होने से क्या होगा, उसके साथ कई और व्यक्ति मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा वो सशक्त होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जो सामान बनेगा, सामान लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है, तो पहुंचेगा तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, परिणाम स्वरूप जो है वितरण व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लाभ का विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है। उपभोक्ता सेवा, ये प्रकार का जो बिजनेस होता है, एकल व्यवसाय जो होता है, इसमें जो व्यक्ति खुद दूसरे को सर्विस देना चाहता है, ठीक है ना, मालिक होने के साथ साथ सर्विस, जैसे मान ली एक दुकानदार की, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो दुकानदार अकेले जो है सिर्फ दुकान बैठा हुआ है, साथ ही साथ कोई कस्टमर आया, उसको सामान बेचा, उसके सामान में हेल्प भी करता है, हेल्प करता है कि नहीं करता है, तो वही व्यक्ति हेल्प भी कर दे रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन में वो सेवा भी कर सकता है, उपभोक्ता की सेवा करना जब उद्देश्य हो तो भी जो है एकल व्यवसाय के अंतर्गत ये उद्देश्य पूरा हो जाता है। स्वरोजगार अवसरों का सृजन करना, स्वरोजगार अवसर मतलब दूसरे के यहाँ जाके नौकरी करने से अच्छा है अपना खुद का बिजनेस करना की अगर बात आती है, तो स्टार्टअप अपना खुद स्टार्ट करने की बात हो, स्टार्टअप की बात जो आज मोदी सरकार का जो है एम भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है व्यवसाय करें, ठीक है, लोगों को रोजगार से जोड़े, ना कि अपना स्वयं रोजगार के लिए भटके। ऐसा संपदा का केंद्रीकरण को टालना, संपदा के केंद्रीकरण को टालना, संपदा के केंद्रीकरण को टालने का मतलब क्या है, मतलब आपके पास जो वेल्थ है वो आप कई लोग मिलकर अगर करोगे तो पूरा का सब 10-10 लोग मिलकर के अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो 10 लोगों का वेल्थ जो है पूरा धन एक ही जगह आगे इकट्ठा होगा, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग लोग करोगे तो 10 जगह पे बनेगा, फर्म बनेगा, 10 जगह लोग बिजनेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, संपदा का केंद्रीकरण नहीं होगा। अगर इकट्ठा सब लोग काम करोगे तो संपदा एक ही जगह आकर सेंट्रलाइज हो जाएगी, इससे क्या होगा, वेल्थ का जो है सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, केंद्रीकरण नहीं होगा। बड़े व्यवसायों की सहायता भी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी सामान होता है तो कई प्रोसेस में बनता है, जैसे मान लीजिए एक कोई सामान है ABC 3 प्रोसेस में बनता है, जैसे मान लीजिए रुई से क्या बनता है, यहाँ पे मान लो धागा बनता है, तो धागा किसको जरूरत होती है, धागा की जरूरत होती है कपड़े, कपड़ा जो बनाता है, तो कपड़े वाले के पास कपड़ा किसको देता है, गारमेंट वाले को देता है, फिर वहां से पैंट शर्ट वगैरह बनता है। तो ये जो ये होता क्या है, जो बड़ा बिजनेस है उसके लिए भी ये हेल्प कर देता है, सहायता कर देता है कि भाई जैसे मान लीजिए धागा बना बना करके इसने कॉटन इंडस्ट्री को दे दिया, कपड़ा उद्योग को दे दिया, कपड़ा वहां से बनेगा, गारमेंट बनेगा, ये सब करने में हेल्प हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो एकल स्वामित्व मतलब एकल व्यवसाय क्या उद्देश्य होते हैं, अपनी पूंजी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही करना, कंज्यूमर की सर्विस देना, रोजगार का अवसरों का सृजन करना, वेल्थ का जो है डिसेंट्रलाइजेशन करना, केंद्रीकरण को हटाना मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करना, बड़े बिजनेस को जो है हेल्प करना, ये सब जो है इनका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एकल व्यवसाय कहाँ उपयुक्त होता है, मतलब सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि एकल व्यवसाय कहाँ पर अच्छा रहेगा, कहाँ पर एकल व्यवसाय सक्सेस होगा, तो वो है जहाँ बाजार स्थानीय हो,
मतलब ग्राउंड लोकल लेवल पे जब होता है, जैसे बाजार जहाँ लगता है आप जाके वहां पे कोई बिजनेस करते हैं, या अपने गांव में है या शहर में ही, आप व्यक्तिगत स्तर पे जब आप देखते हो स्थानीय स्तर पे ये सफल होता है। ग्राहकों के साथ निजी संपर्क जहां बनाना आवश्यक हो वहां पे भी ये बिजनेस अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई बिजनेस करते हो जिसमें जो मालिक हो स्वयं वो लोगों साथ संपर्क बनाना पड़े, तो वहां पर ये बिजनेस अच्छा होगा। सट्टेबाजी का व्यवसाय अगर होता है उसमें भी एकल व्यवसाय अच्छा माना जाएगा। ठीक है, एकल व्यवसाय से समाज की क्या अपेक्षा रहती है, मतलब समाज क्या आपसे इच्छा रखती है क्या करे, तो सोशल जो है जो डिजायरेबिलिटी होती है, जो इच्छा होती है सोल प्रोप्राइटर्स को क्या क्या होती है। पहला होता है बड़े संख्या में लोगों को रोजगार देना, भाई मतलब आप ऐसा बिजनेस करो कि लोगों को रोजगार मिले, भाई समाज तो यही चाहेगा। अल्प पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब समाज ये चाहता है जहां पे कम पूंजी में काम हो जाए, जोखिम कम हो, कम होगा, भाई एक ही व्यक्ति करेगा वही अपना जो है वहन भी करेगा, हानि होगा, अर्थात वो एक लिमिट में काम करेगा। कम मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना भी ऑब्जेक्ट होता है। समाज क्या इच्छा रखता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से हमें सस्ती से सस्ता सामान मिल जाए, आय का वितरण हो जाए, छोटे उत्पाद को हित हेल्प हो जाए, मतलब जो छोटे जो प्रोड्यूसर हैं उनको हेल्प हो जाए। ये सब जो है इसका मतलब ये डिजायरेबिलिटी होती है, ये इच्छा होती है, किससे, सोल प्रोप्राइटरशिप से ये इच्छा होती है। ठीक है, एकल व्यवसाय के लाभ क्या होते हैं, पहली बात प्रवर्तन की सहजता। प्रवर्तन मतलब एक नया बिजनेस खोलने में क्या होता, आसान होता है, ये आसान होता है। प्रवर्तन की सहजता मतलब, प्रवर्तन मतलब आप जो है एक नया बिजनेस स्टेब्लिश जो करता है उसे प्रवर्तक बोलते हैं और इस प्रक्रिया को प्रवर्तन कहते हैं। तो नया व्यवसाय एकल व्यवसाय जो स्थापित करना, भाई दुकान खोलना है तो आपको कौन सा बहुत कुछ करना है, आप जो है दुकान खोल लेते हो, छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हो, जैसे आपको सब्जी लगाना है तो आपने कर दिया, ऐसी कुछ भी, इसको करना बहुत आसान होता है। ठीक है ना, प्रयास और पारितोषिक में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रयास और पारितोषिक में सीधा संबंध का मतलब क्या होता है कि भैया जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसको करने वाला भी वही होता है, मालिक ही करने वाला भी होता है और लाभ भी उसे ही पूरा का पूरा मिलता है। मतलब ज्यादा आप बिजनेस करोगे, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पारितोषिक मिलेगी। पारितोषिक मतलब यहाँ पर आपको वेजेस कह सकते हो, सैलरी कह सकते हो, प्रॉफिट कह सकते हो, जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। प्रयास और पारितोषिक में प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है एफर्ट एंड प्रॉफिट। डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में होता है, एफर्ट और प्रॉफिट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ज्यादा एफर्ट ज्यादा प्रॉफिट, कम इफर्ट कम प्रॉफिट, नो इफर्ट नो प्रॉफिट, ये पूरा जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो एकल व्यवसाय का ये भी लाभ होता है, जब मन करेगा ज्यादा कमाने का तो ज्यादा मेहनत करेंगे, कम कमाने का मन हो तो कम करेंगे। व्यक्तिगत संपर्क होता है, एक दूसरे के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन बनता है, ये भी इसका जो है एक लाभ होता है कि व्यक्ति को अपने हिसाब से कन्विंस किया जा सकता है। अकेला व्यक्ति होता है तो डिसीजन लेने में भी आसानी होती है और जल्दी से डिसीजन ले सकता है। निर्णय में तीव्रता, ये लिखा है यहाँ पे निर्णय में तीव्रता, निर्णय में तीव्रता का मतलब जल्दी फटाफट डिसीजन ले सकता है। बेहतर समन्वय कोऑर्डिनेशन होता है, बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है। क्यों बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है, बेहतर समन्वय क्यों होता है, क्योंकि भैया ये वही व्यक्ति है, वही मालिक भी है और वही जो है काम करने वाला है, तो समन्वय आसानी से कर ले। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है 10 रुपए का कोई सामान है, कह रहा है सर जी 8 रुपए में आप दे दीजिए। अब आप अगर आप मालिक नहीं हो तो 50 बार सोचोगे, लेकिन अगर आप मालिक हो तो आपको क्या करना, आपको निर्णय लेना है कि यार ये 10 रुपए में है, 10 रुपए का सामान हम बेच तो रहे हैं, मुझे कितने का पड़ा है, तो पता चला 7 रुपए का अपना पड़ रहा है, चलो ठीक है इसको 8 में ही बेच देते हैं। लेकिन अगर आप मालिक नहीं होगे, वहां पे कोई अगर दूसरा आपका आपके कहने पे कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो तो भाई आपसे पहले पूछेगा फिर डिसीजन लेगा, तो कोऑर्डिनेशन उतना बेस्ट नहीं होगा। लचीलापन होता है, अपना जब चाहो तब घटा और बढ़ा सकते हो। सिक्रेसी टॉप लेवल की होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है, वही लाभ को वहन करता है, वही जोखिम को उठाता है, तो गोपनीयता यहाँ पे परस्पर बनी रहती है। आशा करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप आपको समझ में आया होगा, एकल स्वामित्व समझ में आया होगा। एकल स्वामित्व एक ऐसे व्यक्ति को, एकल व्यवसायी एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो स्वयं साधनों को लगाता है, स्वयं प्रबंध करता है, वह स्वयं ही जो है क्या करता है, जोखिम उठाता है, वह लाभ को लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकल व्यवसायी कहते हैं। एकल व्यवसायी द्वारा किया जाने वाला कार्य ही एकल व्यवसाय कहलाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।